मेन लीडिंग करेक्टर ही है, और उसमें एक मैसेज है कि हमने कहीं जाना होता है, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं घूमने के लिए, हमारा प्रोग्राम होता है। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाता है जी, क्या आप महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगी या क्या करेंगी आप? मैं क्या करूँगी, मैं उस दिन जो है ना, मैं ये करूँगी कि मैं सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना जो पैसे देकर ली जाती है, मैं उन सबको फ्री कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक्टर सबा अज़ीज़ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, और ये हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का उभरता हुआ एक सितारा है। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि एक्टिंग की तरफ किस तरह आना हुआ, क्या मुश्किलात पेश आईं और कहां से मोटिवेशन मिली कि आपने एक्टिंग का आगाज़ किया। आइए तारुफ करवाते हैं एक्टर सबा अज़ीज़ साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एक्टिंग की तरफ किस तरह आना हुआ? एक्टिंग की तरफ इस तरह आना हुआ कि बस बचपन से शौक़ था, और जब भी मैं कोई सीरियल्स वगैरह देखती थी तो एक होता था बस इनकी जगह मैं होती, काश उस टाइम छोटी थी तो वो सोच ये होती थी कि भाई इनकी जगह पे मैं होती तो इस तरह करती या ये सब कुछ होता, तो बस उस चीज़ ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो किया। उसके बाद स्कूल में आपको पता है जैसे भी टैबलोज वगैरह थे उनमें परफॉर्मेंस करती रही, और इस तरह ये शौक़ जो है वो बढ़ता ही गया मेरा, और अब अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है तो मैं इंशाल्लाह ताला आ चुकी हूँ। किसको देख के आपको ज़्यादा मोटिवेट हुई कि मुझे भी जाना चाहिए एक्टिंग की तरफ? फेवरेट एक्ट्रेसेस के बारे में वैसे तो सबा कमर, हाँ मैं उनसे, क्योंकि नाम भी जी मेरा नाम भी सबा है और मैं उनसे ही इंस्पायर हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, और मेल में अगर पूछा जाए? मेल में नुमान एजाज। सही, नुमान एजाज वो फेवरेट है मेरे। अच्छा, एक्टिंग की तरफ तो आप आ गई हैं और माशाल्लाह आप ड्रामे भी कर रही हैं, क्या मुश्किलात पेश हैं? क्या घर की तरफ से इजाज़त मिल गई थी आपको आराम से, या एक होता है छुपके भी काम किया जाता है? हाँ, ऐसे था कि वालिद साहब जो थे वो थोड़ा इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, आपको पता है हर घर में कोई ना कोई अगेंस्ट होता है। बिल्कुल। तो मेरे वालिद साहब जो है वो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ रहे हैं, और उसके बाद अभी उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है 6 मंथ अगो, तो बस फिर ये था कि कुछ उनका भी ये कह लें कि एक टेंशन में रही मैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई उनके जाने के बाद, और फिर दूसरा ये कि मैं फिर इस तरफ आ गई क्योंकि मम्मा हैं तो उनकी तरफ से सपोर्ट थी मुझे, वो कहती थी आप जो करना चाहती हैं आप करें, वही कि ज़िंदगी एक बार मिली है इसमें जो कुछ हम करना चाहते हैं करना चाहिए, डेफिनेटली शौक़ को जो है ना वो दबाना नहीं चाहिए, तो बस फिर मैं इस तरह आ गई। जी, आपने ज़िंदगी की बात की और आपका आने वाला जो ड्रामा है ज़िंदगी फिर से मुस्कुराए, जो ऑन स्काई प्रोडक्शन की जानिब से लियाकत शहज़ाद साहब की जानिब से पेश किया जा रहा है, उसमें आपने काम किया, काम करके कैसा फील हुआ? उसमें काम करके सर के साथ बहुत अच्छा लगा, मतलब वो शूट हमारा काफ़ी यादगार है क्योंकि उसमें हमने काफ़ी इंजॉय किया, मौज मस्ती, अपने काम पे बहुत तवज्जो दी, सब कुछ यानी कि अच्छा रहा। हाँ जी, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर लियाकत शहज़ाद के साथ काम करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, वो स्टोरी किस तरह की है कि ज़िंदगी फिर से मुस्कुराए, कि उसमें आपका क्या करैक्टर है, किस करैक्टर में नज़र आएंगी आप? उसमें मेरा मेन लीडिंग करैक्टर ही है, और उसमें एक मैसेज है कि हमने कहीं जाना होता है, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं घूमने के लिए, हमारा प्रोग्राम होता है, और ये ज़्यादातर रिलेटेड है कोरोना से, क्योंकि हम उसमें मतलब कि ये मैसेज दिया है कि जो गरीब है उनकी मदद करें, जो लोग घरों से नहीं निकल सकते उनके लिए मतलब कि चेक वगैरह बनाकर, और ये चीज़ ये एक मैसेज हमने कन्वे किया। और उसके बाद जो दूसरा मैसेज ये था कि जो इसमें एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी करके, कि बहुत अच्छा लगा कि जो भी देखेगा इसको वो डेफिनेटली इससे एक अच्छा कुछ अच्छा ही लर्न करेगा। जी, वो ये था कि हम लोगों ने जाना होता है पिकनिक का प्रोग्राम होता है हमारा, तो फिर हमें पता लगता है जी एक लेडी है उनकी बेटी का इस तरह इशू है, तो हम अपना वो प्रोग्राम कैंसिल करके हम कहते हैं अपने जितने भी हमारी पैसे हैं वो हम उनको देंगे ताकि उस बच्ची की ज़िंदगी बच सके। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो इंशाल्लाह ताला आवाम को भी बहुत पसंद आएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना होता है। अच्छा, इसके बाद एक तो ज़िंदगी फिर से मुस्कराए, इसके अलावा आप और क्या क्या काम कर रही हैं? इसके अलावा मैं हम टीवी का जो एक सीरियल है भूल जाए दिल में मैं काम करके आ चुकी हूँ, और उसमें एपिसोड मैंने एक में काम किया, लेकिन अभी मुझे 2 के ऑफर्स और भी हैं। बिल्कुल। और सर के साथ ही स्काई प्रोडक्शंस के साथ ही चल रहे हैं अभी, तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं के साथ रहेंगे, बाकी है कि और भी मैं कर रही हूँ ऑन एयर, मेरे शूटिंग्स वगैरह भी हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं।
अच्छा, एक्टिंग के अलावा और क्या करते हैं, जैसे सिंगिंग या शायरी वगैरह? एक्टिंग के अलावा सिंगिंग का बस है थोड़ा बहुत। अच्छा, हमारे नाज़रीन और देखने वालों के लिए कोई अगर गुनगुना दें। जी ज़रूर। बूहे बारियां ते नाले कंदा टपके, मैं आवंगी हवा बन के। बूहे बारियां है बूहे बारियां। बस। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज़ है। अच्छा, हमारे जो देखने वाले हैं यंग आर्टिस्ट जो शौक़ रखते हैं एक्टिंग की तरफ आने का, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक बार मिली है, और इस चीज़ को, अपने शौक़ को, अपनी एम्स को कभी भी आप दबाएं मत। अगर आपको शौक़ है तो आप उसको, मतलब कि आगे आएं उस शौक़ के साथ, अच्छे तरीके से रह के आप अपने काम को कंटिन्यू रखें। कोई भी फील्ड बुरी नहीं है, इंसान के ऊपर डिपेंडिंग होता है कि उसकी सिलेक्शन कैसी है। और यही मैसेज है कि अपने शौक़ को कभी भी अधूरा मत छोड़ें, उसे पूरा करें। आ जाते हैं हुकूमत की तरफ, कि आप इमरान खान से कितनी मुतमईन हैं? इमरान खान से असल में मैं कोई सियासी तो ज़्यादा हूँ नहीं, और मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि मतलब घर का ख़र्चा कभी मैंने किया नहीं, मुझे नहीं पता महंगाई का क्या है, किस तरह का है। लेकिन ये ज़रूर नज़र जो मुझे आया है कि नवाज शरीफ की हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है इन्होंने तो हर चीज़ डबल ट्रिपल महंगी कर दी है। तो वो चीज़ जब देखते हैं कि हर बंदा गरीब परेशान है, तो उस चीज़ से हम लोग, मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। तो बस ये, जैसा कि देखा जाए मेकअप की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, तो उसमें आपको कितना फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये बात आपने काम की है, क्योंकि मेकअप ये था कि पहले जब मैं मेकअप परचेज़ करने जाती थी तो वो 10,000 के अराउंड, मतलब कि अपनी जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो आ जाती थी। अब वही चीज़ें, मतलब मैं जब कलेक्ट करती हूँ तो उसका बिल जो है ना वो 14,000-15,000 के अराउंड बन जाता है, तो वो उससे मुझे तो बहुत अंदाज़ा हो गया कि वाकई महंगाई हो गई है। तो क्या महंगाई की वजह से आपने मेकअप कम करना शुरू कर दिया या उतनी करती हैं? नहीं, अब आपको पता है महंगाई की वजह से मेकअप कम तो नहीं कर सकती, लेडीज़ की कमज़ोरी है ये, तो ये कम तो नहीं हो सकता, उतना ही है, लेकिन बस बजट आउट हो जाता है। मेरा सबसे आखिरी सवाल ये है कि अगर एक ही टाइम में आपको डिनर की ऑफ़र होती है लियाकत शहज़ाद साहब की तरफ से, सबा कमर भी हैं और तीसरी जानिब नुमा निजात हैं, तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? सर लियाकत सर के साथ, वो इसलिए क्योंकि वो सीनियर हैं और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस भी हूँ, और जितना भी अभी उनके साथ काम किया है और जितना भी कर रही हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो एक सीनियर आर्टिस्ट होने की लिहाज से मैं उन्हीं के साथ। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं है आप उनके साथ अभी काम कर रही हैं? नहीं नहीं, इसकी कोई वजह नहीं, और सेकंड ऑप्शन जो है ना वो मैं नुमान इजाज के साथ, नुमान इजाज को देंगे। अच्छा, लेडीज़ को ही भूल गई हैं यार, यानी औरत औरत के दुश्मन? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है, थर्ड पे सबा कमर भी हैं। अच्छा, उनका भी ऑप्शन है साथ, यानी कि तीन दिन आप लगातार डिनर करेंगे? हाँ, ऐसे भी हो सकता है, या फिर हम एक ही प्लेस पे जो है ना, एक ही टेबल पे, मतलब कि कर सकते हैं डिनर, इनवाइट कर लें सबको एक जगह पे, तो तब भी इकट्ठे होकर वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फिर। अच्छा, सबसे आखिरी सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, क्या आप महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगी या क्या करेंगी आप? मैं क्या करूंगी, मैं उस दिन जो है ना, मैं ये करूंगी कि मैं सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना जो पैसे देकर ली जाती हैं, मैं उन सबको फ्री कर दूंगी। सही। पेट्रोल से लेकर, ग्रोसरी से लेकर, एवरीथिंग, मैं कहूंगी जो जिसको चाहिए वो फ्री कर ले। और सबसे बड़ी बात कि मेकअप, सही, मेकअप तो मैं बिल्कुल, मतलब कि सेल लगवा देनी है कि भाई फ्री फ्री है और ले जाएं इसको, यानी कि तुसी लुट पवा देनी पूरे पाकिस्तान। यही कुछ ऐसी है जी। नाज़रीन, इनके इरादे तो बड़े गमगीन और ज़ालमाना लग रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद थी एक्टर सबा अजीज़ साहिबा, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमारे नौजवानों के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि जो जिसका शौक़ है एक्टिंग की तरफ आना, मॉडलिंग की तरफ आना, वो अपना शौक़ ज़रूर पूरा करे, क्योंकि ज़िंदगी में मौका एक ही बार मिलता है। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।